देखिए आयुष्मान का कोई भी पेशेंट आता है, उनका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ और एक बोकारो की स्वास्थ्य सुविधाओं की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बोकारो में स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष्मान भारत का एक अहम भूमिका चल रहा है। मैं अभी आया हूँ सेवा सदन में और यहाँ पर आयुष्मान मित्र से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की सेवाएं यहाँ से दे रहे हैं। इस सेवा सदन में कौन कौन से डिपार्टमेंट की सेवा आप लोग दे रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत? हमारे पास जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑप्शन गायनेक है। यहाँ पर अगर कोई चार्ज से पेशेंट आता है या फिर बारीक ऑपरेटिव से आना चाहते तो क्या इसका एड्रेस है? देखिए मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस है प्लॉट नंबर 114 114। अगर कोई कबड्डी के मेन गेट रहता है तो अंदर घुसने से थर्ड राइट लेंगे तो मेरा हॉस्पिटल पड़ता है। आपने बताया कि बहुत से डिपार्टमेंट के बारे में, हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि सर्जरी में कौन है, गायनी में कौन है, जनरल मेडिसिन में कौन 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 डॉक्टर आते हैं? देखिए ऑप्शन गायनी में डॉक्टर सरस्वती महंता है बीजीएस की, जो एचओडी से रिटायर की हुई हैं, डॉक्टर सबनम तिर्की हैं, डॉक्टर रीना सिन्हा हैं। और जनरल सर्जरी की बात करें तो डॉक्टर पी के विश्वाल है जो कि सर्जन थे, एचओडी से रिटायर किए हुए बीजीएस से, डॉक्टर रवि रंजन सर है, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि ऑन कॉल आते हैं। और जनरल मेडिसिन में डॉक्टर आर के सिंह सर हो गए जो भी बीजीएस से रिटायर किए हुए हैं। एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं आयुष्मान भारत की सेवा, जिनका कार्ड बना होता है उन्हीं का सेवा होता होगा? नहीं, अगर मान लीजिए किसी का कार्ड नहीं बना हुआ है तो अपना राशन कार्ड प्रोवाइड करेंगे, आधार कार्ड प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे कार्ड बिल्कुल निःशुल्क फ्री में बनता है, कोई चार्जेज नहीं है उसकी। क्या क्या सुविधाएँ देते हैं? देखिए आयुष्मान का कोई भी पेशेंट आता है तो उनसे तो एक रुपया हम लोग लेते नहीं हैं, और जो भी जांच है, अल्ट्रासाउंड है, और खाने का सुविधा दिया जाता है। एक चीज़ और हम जाने, कितने सालों से ये सेवा चल रहा है? 2019 से मेरा टाई अप हुआ था हॉस्पिटल का, तो अभी तक कंटिन्यू है। बोकारो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आयुष्मान भारत क्या है और इसमें अलग अलग हॉस्पिटल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट को लेके उनकी सेवा दी जाती है, आज हम बात करने आए हैं वृत्ति डायलिसिस सेंटर के सिंह कॉलोनी के पास। यहाँ पर आयुष्मान भारत के जो मित्र हैं उनसे हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वृत्ति डायलिसिस सेंटर में कौन कौन से डिपार्टमेंट को आयुष्मान भारत के तहत आप मुफ्त इलाज किया करते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आयुष्मान भारत को लेकर कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। गौरव जी ये बताइए कि आप यहाँ पर आयुष्मान भारत मित्र हैं? जी सर। जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं उनको आप सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं? वो हमारा निर्भर करता है कि वो हमारा पेशेंट किस चीज़ के हैं। अगर आयुष्मान पेशेंट है तो आयुष्मान पेशेंट के लिए उनका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ और एक गोल्डन कार्ड की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्ति का अगर गोल्डन कार्ड नहीं बना हुआ है उनके लिए? अगर जिन व्यक्ति का गोल्डन कार्ड नहीं बना है तो उनके लिए उनका राशन कार्ड, लाल वाले राशन कार्ड और आधार कार्ड, और पेशेंट के थ्रू उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। वृत्ति डायलिसिस सेंटर में कौन कौन से डिपार्टमेंट में आयुष्मान भारत की सेवा दी जाती है? हमारे हॉस्पिटल में है आपका यूरोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, इमरजेंसी पैकेज है जिसमें हमारा आपका डायलिसिस होता है, और हमारा फ्यूचर एंड प्लान है जिसमें कि हमारे NICU आने वाले हैं, ऑर्थोपेडिक के मतलब पैकेज आने वाले हैं, जनरल सर्जरी आने वाले हैं। मतलब आने वाले फ्यूचर में 2-3 और डिपार्टमेंट आप बढ़ाएंगे। एक चीज़ बताइए कि अभी अगर कोई पेशेंट ऐसे गायनी के आ जाते हैं तो उनको आप क्या कहते हैं? उन्हें हम सदर रेफर कर देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं हमें सदर ही रेफर कर देते हैं। अगर जो व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाते और उनके अटेंडेंट अगर फ़ोन कर से आपके जानकारी लेना चाहते हैं तो कौन सा नंबर है? सर हमारा नंबर है 9431321826। इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी वक्त। मतलब कि वो आयुष्मान भारत के तहत कोई भी नंबर से आपको फ़ोन कर सकता है इस नंबर पर? जी सर। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।